शक तो पहले से है। मुझे पता है माजी आपने नहीं उच्च लाइन चाहिए। एक्शन। मुझे पता है माजी आपने जेवर मेरे पास क्यों रखवाए थे, सब जानती हूँ मैं। मुझसे कुछ बताने की जरूरत नहीं, ना ही मुझसे कुछ छुपा है। वियो, क्या जानती है, क्या कह रही है, कुछ छुपा। हटो उठाओ। रोल रोलिंग। एक्शन। मुझे पता है माजी आपने ये जेवर मेरे पास क्यों रखवाए हैं, सब जानती हूँ मैं। मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं और ना ही मुझसे कुछ छुपा है। रोल एक्शन। एक्शन। क्या जानती है, क्या कह रही है, कुछ छुपानी है, मतलब तो मामी की बात सही करो कान के। साइलेंस रेडी। कान के नीचे देखो बिजली कब आना है मालूम है ना। रोल कम कम करो अभी बोल तो मामी बिजली आएगा। रोल रोल करो। कोई है जिंदा आदमी अटेंडेंट चावल खा के सो गया। रोल एक सेकंड। अरे भूख पड़ रही है, सॉरी मैं तो भूल ही गया। टिल डाउन और कम पैक कर, जूम जा। पहले नहीं मम्मी थोड़ा चौड़ा करो। रोलिंग एक्शन। वाइड जूम। हाँ दीदी बस हो ही गई। आईलाइन लेना पर। रोल। सारी प्रिपरेशन हो गई ना, कल कॉन्टेस्ट है। हाँ बस हो ही गई दीदी। बिजली। बोल के ना एक्शन। बोल के ना मामी बुक पढ़ने लगा वो बिजली आ जाएगी। अच्छा बोल के आप। हाँ दीदी बस हो ही गई। बिजली। अरे बाप रे लगता है आज बारिश होकर रहेगी। ये बोलती है और भी टेरेस पे कपड़े तो नहीं है ना। अरे हाँ मम्मी कपड़े तो टेरेस पे ही हैं, हम उठा के लाते हैं। कट वन मोर। और बिजली से। बिजली। अरे बाप रे लगता है आज बारिश होकर ही रहेगी। अभी होते उसमें टेरेस पे कपड़े तो नहीं है ना। अभी होते अरे हाँ मम्मी कपड़े तो टेरेस पे ही हैं, हम अभी उठा के लाते हैं। हाँ जल्दी उठा लो। हाँ जल्दी एक सेकंड। जल्दी उठा लो नहीं तो भीग जाएंगे। हो गया सम्राट क्लोज। सीन में क्या चल रहा है आज के जो सीक्वेंसेस हैं वो आज बिजली कड़क रही है।
हाँ थोड़ी जल्दी बारिश आ रही है और शायद ये पानी वाली बारिश नहीं है, हो सकता है खुशियों की बारिश हो सकता है दुखों की बारिश हो, लेकिन बारिश आ रही है। किस पे बिजली गिरने वाला है, सम्राट बोलिए। आपको क्या लगता है किस पे गिरना चाहिए? तो आप बताएंगे। अच्छा आप बता दो, हो सकता है आपके हिसाब से गिर जाए। सम्राट पे। सम्राट पे गिरना चाहिए, बोलते हैं अभी नहीं। किसी को कहते हैं सम्राट के ऊपर मुसीबत, लेकिन वो हमेशा बच जाता है, आपको नहीं लगता? बच के निकल जाता है, हमेशा बच के निकल जाता है, कितना शाणा आदमी है वो, सोचो। जल्दी घर में खुशखबरी भी आने वाला है। खुशखबरी भी आने वाली है। क्या खुशखबरी? खुशखबरी ऐसी है कि ईशान और उर्मी जो हैं वो अब पेरेंट्स बनने वाले हैं और घर में एक छोटा बेबी आने वाला है जिसकी तैयारियां ईशान कर रहा है और हम सब खुश हैं। घर के सब लोग खुश हैं, लेकिन तानी कुछ खुश नहीं नजर नहीं आ रही है। तानी को आई थिंक तानी जो है वो बहुत ही सेल्फ मतलब अपनी खुशी से हर खुशी को रिलेट करती है और उसको लगता है जब वो मदर बनेगी, मदरहुड में कदम रखेगी, तब वो ज़्यादा खुश होगी बजाय किसी और के ऐसी खुशी पाने के। तो आई थिंक उसकी खुशी का ओरिएंटेशन सेल्फ है। कुछ अलग होने वाला है कहानी में, लिप लेने वाला है या फिर कुछ शो कुछ चेंजिंग होने वाला है, ऐसा कुछ है सुनने में आया आपको? हां कुछ भी आगे या पीछे जाने वाला है इसके बारे में बताना है। उसमें क्या है मतलब मैं रहने वाली हूँ या नहीं रहने वाली हूँ? आप हो, आप नहीं रहोगे तो इसको कैसे चलेगा? पर कुछ चेंजेस आने वाले हैं जरूर, ये बात बिल्कुल ठीक है। हम में से कौन है कौन नहीं है ये तो बाद में ही पता चलेगा जब हम देखिए। कुछ ना कुछ जरूर होगा, हमारे राइटर्स बहुत ब्रिलियंट हैं और बहुत अच्छी कहानी अभी तक दर्शकों को दिखाते आए हैं और आगे भी दिखाते रहेंगे, आई एम श्योर वी कैन प्रॉमिस दैट। सो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। और हाँ, मेरा मेकओवर हो रहा है, स्टे ट्यून्ड टू दैट, क्योंकि अब मैं काली ही रहूँगी पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा मुझ में, कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगा कालेपन का, तो वो ज़रूर देखिए और जिनको ऐसा कॉम्प्लेक्स उन्हें दिखाइए और बताइए कि ऐसा कुछ नहीं होता लाइफ में। थैंक यू सो मच।